अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही खुशफाश होंगे और खैरियत से होंगे। आज हमारे कंटेंट राइटिंग वर्कशॉप का सेशन 2 है। जैसे कि प्रीवियस सेशन में हमने बताया था कि इस सेशन में हम स्पेसिफिकली कंटेंट राइटिंग, जो कि विजुअली इम्पेयर पर्सन के लिए किस तरीके से वो कर सकते हैं, ये बताया जाएगा। और मेरे साथ मौजूद हैं सलमान खालिद, और ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से विजुअली इम्पेयर कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। तो सलमान खालिद, अस्सलाम वालेकुम, ओवर टू यू। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू मिस अनम। जैसा कि मिस अनम ने बताया, हमारी कंटेंट राइटिंग से मुंसलिक वर्कशॉप का एक सेकंड एंड फाइनल डे है। लास्ट सैटरडे को हमने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेंट राइटिंग इन डिटेल डिस्कस किया। वी आल्सो डिस्कस फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग टेक्निक्स एंड यू नो द प्रोसेस, द मेन स्टेप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। फिर उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट टाइप्स देखी एंड वाई कॉन्टेंट राइटिंग इज सो इम्पॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया। इसको इन जनरल हमने डिस्कस किया, काफी इन डेप्थ डिस्कस किया, और एंड में हमने कुछ क्वेश्चन को भी रिस्पॉन्ड किया एंड साथ ही साथ लोगों के व्यूज भी लिए। तो आज उसी की कंटिन्यूएशन में पहले जो आज के फोर टॉपिक्स जो हम अगले 1 घंटे में ऑलमोस्ट कवर करने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि Why a good content writing matters, या why the significant content writing matters today, उसको इन जनरली थोड़ा सा देखेंगे कि अच्छा मेयारी जो स्टैंडर्डाइज कंटेंट है उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है। और सेकेंडली फिर मैं आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा, सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। और उसके बाद हम फिर चले जाएंगे वीआई रिलेटेड टॉपिक के साथ, इसको कनेक्ट करेंगे। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट राइटिंग वो विजुअली इम्पेयर्ड, ठीक है। एंड देन ऑफ कोर्स लास्टली वी विल सम अप द सेशन विद द फाइनल टॉपिक विच इज द एरियाज ऑफ द डोमेन ऑफ कंटेंट राइटिंग फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, कि कहाँ कहाँ ब्लाइंड कंटेंट राइटर्स जो है या ऐसे विजुअली इम्पेयर्ड जो कंटेंट राइटिंग में स्किल रखते हैं या अपने स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वेयर दे कैन एडजस्ट देमसेल्फ, व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज दे एक्चुअली कैन अवेल, और किस तरह से कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज को लेके आप खुद को कनेक्ट कर सकते हैं। सो वील जस्ट स्टार्ट इन अ मिनट। मिस अनम, अभी कुछ और वेट करना है या वील स्टार्ट राइट नाउ? तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, टू स्टार्ट विद, एज आई सेड कि हम पहले थोड़ा सा फर्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। एंड बिफोर दैट आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन कि इन चार टॉपिक्स के बाद हम आपको अनम्यूट करेंगे एंड देन वील हैव अ डिस्कशन सेशन आल्सो, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, और उन क्वेश्चन के साथ साथ अगर आपको कुछ ऐड करना है, कोई अपना व्यू पॉइंट है, किसी और एंगल से कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दैट यू आर लुकिंग फॉर, तो हम उस पर भी बात करेंगे फाइनल 15 मिनट्स में। तो इसलिए आप फोकस के साथ इस सारी चीज को सुने, और इसी से रेलिवेंट फिर मैं आपसे भी फीडबैक लूंगा, पूछूंगा, एंड ऑफ कोर्स यू कैन कम अप विद योर ओन रेलिवेंट क्वेश्चंस आल्सो। सो व्हाई कंटेंट राइटिंग इज, पिछले हफ्ते हमने कंटेंट राइटिंग की इंट्रोडक्शन को, उसकी टाइप्स को, उसकी टेक्निक्स को, उसके स्टेप्स को पढ़ा। थोड़ा सा ये देखते हैं कि क्वालिटी कंटेंट राइटिंग जो है, व्हाई इट मैटर्स, वेयर इट प्लेज ए वाइटल रोल। सो एक्चुअली द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्टेंट राइटिंग कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड बिकॉज ऑफ इट्स इंस्ट्रूमेंटल रोल इन टूडेज वर्ल्ड ऑफ डिजिटलाइजेशन, क्योंकि कॉन्टेंट राइटिंग का एक जो रोल है वो उसको हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, यू कैन नॉट इग्नोर दैट, ठीक है। ये ऐसा ही है कि अंदर प्रोडक्ट आपकी जितनी मर्जी अच्छी हो डिब्बे के अंदर, लेकिन अगर उसकी पैकिंग अच्छी नहीं है, अगर उसकी लेबलिंग अच्छी नहीं है, अगर उसके अंदर आपने कैची डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई, उसको प्रेजेंटेबल नहीं बनाया हुआ,
So there are the chances your product actually might end up being ignored. लोग उसको छोड़ दें. So इसलिए जो apparent एक चीज होती है, एक outer जो look होती है, that has its own significance. So that's why content writing has become so vital, without a doubt, in order to market anything in highly effective manner. जी हाँ, और जब हम मार्केट करने की बात करते हैं, तो जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था कि मार्केट करने से मुराद सिर्फ मार्केटिंग किसी प्रोडक्ट की नहीं होती. आप अपनी कोई चीज ऑनलाइन लॉन्च कर रहे हैं, आपकी अपनी सेल्फ प्रोफाइलिंग है, आपका अपना कोई बिजनेस है, आपका कोई आइडिया है, तो आप जब उसको फ्लोट करते हैं, आप किसी आइडिया को पिच करते हैं, क्योंकि ये समंदर है, इट्स जस्ट लाइक एन ओशन. तो इसमें इतना ज्यादा एक्सेसिव कंटेंट है कि हजारों टाइप्स ऑफ कंटेंट्स जस्ट गेट निग्लेक्टेड बिकॉज ऑफ द मैसिव क्वांटिटी अवेलेबल. तो उसमें आप किसी भी तौर पे रिलैक्स नहीं हो सकते इस चीज को लेके कि आपका कंटेंट इफेक्टिव ना हो और इम्प्रेसिव ना हो. अच्छा, अब क्यों क्वालिटी कंटेंट जो है वो मैटर करता है और क्या क्या इसके फवायद है. एक तो ये वेल रिटन कंटेंट जो है दैट इज रियली नीडेड एंड इम्पॉर्टेंट फॉर एसईओ पर्पस. यानी मैंने आपको पिछले हफ्ते थोड़ा सा बताया था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को मद्देनजर रखते हुए हम किन टेक्निक्स के साथ अपना कंटेंट जनरेट करते हैं. एक तो उसके लिए जरूरी है ताकि कोई कस्टमर, कोई सब्सक्राइबर, कोई क्लाइंट, कोई विजिटर, एनीवन हु इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ पर्टिकुलर आइटम और आप उस आइटम के मार्केट करने वाले हैं, उसको प्रोजेक्ट करने वाले हैं, तो उन विजिटर्स को, उन जो सर्च करने वाले हैं, दे शुड बी लैंडेड ऑन योर आइटम. तो वो तभी होगा अगर आप एसईओ को, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को जेन में रख के, सारी की टर्म्स को यूज करके आप प्रॉपरली, टेक्निकली एंड इंटेलिजेंटली अपना कॉन्टेंट प्लेस करते हैं ऑनलाइन. Secondly, it is the content that draws people from search engines and from different pages of social medias to your website. आपका अपना जो, आपकी अपनी जो वेबसाइट है या आपका अपना कोई सेटअप पेज है, अब हजारों पेजेस के अंदर से किस तरह से, किस टेक्निक के साथ आपने क्लाइंट को अपनी तरफ लेके जाना है. ठीक है, अब देखते हैं. जस्ट गिविंग यू अ रफ एग्जाम्पल, आपने कहीं आउट ऑफ सिटी जाना होता है, हम डेवो पे जाते हैं, किसी खास टर्मिनल पे जाते हैं जहाँ पे मल्टीपल ट्रांसपोर्टेशंस होती हैं, तो हर कोई अपनी अपनी ऑफर्स के साथ अपने अपने तरफ खींच रहा होता है कुछ ना कुछ अपीलिंग करके, और जो पैसेंजर्स होते हैं दे एक्चुअली हैव टू टेक अ फाइनल डिसीजन कि कहाँ किस बस को उन्होंने चूज करना है या किस सर्विस को उन्होंने अपने जर्नी के लिए ऑप्ट करना है. तो ये भी मार्केट के अंदर ऐसे टूल्स, ऐसी टेक्निक्स और ऐसे जो बेसिकली क्वालिटीज हैं जो ऑफर की जाती हैं थ्रू कंटेंट राइटिंग लोगों को अपील करने के लिए अपनी तरफ, वो जितना इफेक्टिव होगा उतना आप जो है मैसिव अटेंशंस को टुवर्ड्स यू और योर प्रोडक्ट और योर सर्विसेज आप लोगों को एंगेज कर सकेंगे. बिकॉज इट इज द क्वालिटी ऑफ योर कंटेंट दैट एक्चुअली कन्वर्ट्स द कैजुअल विजिटर्स इनटू बेसिकली पेइंग कस्टमर्स. देखो, कैजुअल विजिटर्स जो हैं आपकी वेबसाइट के, वो तब ही आपके पेइंग कस्टमर्स, यानी आपके बायर बनेंगे प्रोडक्ट्स के या आपके आइडियाज को वो बाय करेंगे, तभी जब आप उन्हें इस तरह से कंपेल करोगे थ्रू द क्वालिटी, थ्रू द स्टैंडर्ड एंड थ्रू बेसिकली द इम्प्रेसिव टूल्स दैट यू हैव अप्लाइड वाइल क्रिएटिंग योर कंटेंट. यानी आपने अपने कंटेंट को डिजाइन करने के लिए कितना स्मार्टली, कितना इंटेलिजेंटली और कितना प्रोडक्टिवली चीजों को प्रेजेंटेबल बनाया है, वो फाइनली फिर आपको जो रिस्पॉन्ड रिक्वायर्ड होता है वो आपको दिलाते हैं. ओके, अच्छा जी, अगर इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, आप समटाइम देखना चाहते हैं व्हाट इज द विजिटर्स रिएक्शन टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट्स. ठीक है, वो आपको तभी पता चलेगा जब आपके कंटेंट के जरिए आपको फीडबैक फिर मिलता है कि नहीं.
you actually have to use quality content in order to increase your brand value. Jis brand value ki aap projection kar rahe hain, again, sirf product ya item se munsalik nahi, ye badi in-depth field hai. कोई भी चीज, कोई भी सर्विस, किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, एनजीओस को, किसी की सर्विस को, किसी के इंडिविजुअल वेंचर को, जो भी हो, जिस भी तरह की चीज हो, अगर वो क्वालिटी के साथ प्रेजेंट किया जा रहा है तो वो उसकी जो रीच है, उसकी जो एक्सेस है, वो आपकी डिजायर्ड ऑडियंस तक और मैसिव स्केल पे हो पाएगी. So content is the backbone of your website due to the following reason. कौन सी वो reason है कि आपका जो content है वो क्यों backbone समझा जाता है आपकी website का या किसी भी platform के ऊपर जिसको आपने setup किया हुआ है. When the visitor comes to your website, they are actually not sure. They have different kind of apprehension. उन्हें वहम होते हैं. वो सिर्फ casually randomly visit कर रहे होते हैं, maybe looking for something to their taste, अपने taste के according, अपने मतलब की उन्हें कोई चीज मिल जाए. तो उस चक्कर में हर visitor जो होता है वो casually dozens of pages को वो go through कर रहा होता है, which is so natural. जाहिर है हर बंदा जिसको कोई idea नहीं है कि मेरी इस चीज या इस requirement से मुतल्लिक where I can get the best possible option, तो वो obviously explore करेगा. And suddenly if he or she lands on your website और आपकी website के ऊपर जो content है वो is very beautifully described, very smartly described, self-explanatory है, impressive है, to the point है, ज्यादा lengthy नहीं है, ठीक है, to the point हो, precise हो, लेकिन appealing हो, और जो आप चीजें, services, items, जिन्हें भी आप, जिनसे मुंसले आपकी website है, अगर उसकी आप अवेयरनेस, अगर आप उसके अंडरस्टैंडिंग, अगर आप उसकी क्वालिटी को अच्छे तरीके से डिस्प्ले कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ योर वर्ड्स, ऑफ कोर्स दैट इज कंटेंट राइटिंग, तो वो बंदा उसी वेबसाइट को गो थ्रू करेगा, वो उसको स्किप करके आगे नहीं चला जाएगा. सो वेबसाइट विदाउट गुड कॉन्टेंट राइटिंग इज जस्ट लाइक अ वेरी नाइस एंड लग्जरियस बस बट विदाउट अ ड्राइवर. ठीक है, यानी कि आपके पास बड़ी जबरदस्त एक बस है लेकिन अगर उसको चलाने वाला अच्छा नहीं है तो उस बस की जो मर्जी क्वालिटीज हो, जितना मर्जी कंफर्ट हो, जितने मर्जी लग्जरियस हो, कंफर्टिंग हो, पीपल विल ऑप्ट फॉर सम अदर ऑप्शंस. सो वी कैन रिमूव द डाउट्स इन द माइंड ऑफ पीपल थ्रू आवर वर्ड्स. देखें, लोगों के जहन में शको शुबात होते हैं, पीपल आर नॉट श्योर, तो उसको आप कितना कन्विंसिंगली दूर कर पा रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन अगेन ऑन द क्वालिटी ऑफ योर कंटेंट राइटिंग. हमारे जो अल्फाज हैं, हमारी जो राइटिंग है, इट शुड एक्सप्लेन टू द फुलेस्ट के व्हाट एक्चुअली आर सर्विसेज आर और क्यों आपके लिए बेहतर होगा, व्हाई वी आर द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन इन द मार्केट. ठीक है, हर बंदा अपने आप को बेस्ट कह रहा है, बट यू जो रीजनिंग आप दे रहे हैं, जो बेसिकली जिस तरीके से आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, उसमें क्या ऐसी यूनिकनेस है. ठीक है, आप कोई चीज खरीदने जाते हैं, 10 मुख्तलिफ शॉप्स पे जाते हैं, हर बंदा कह रहा होता है कि जी ये इससे अच्छी और कोई प्रोडक्ट आपको कहीं और नहीं मिलेगी, बट देयर हैज टू बी कपल ऑफ यूनिक एलिमेंट्स. कुछ ना कुछ ऐसा खास या खासियत हो के जो क्लाइंट्स हैं वो फिर एक खास चीज की तरफ या ऑप्शन के साथ स्टिक करें. सो जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है इन कंटेंट राइटिंग, यू नो दैट प्लेज अ की रोल, क्योंकि ह्यूमन रेस की बात करें, ह्यूमन हिस्ट्री की बात करें, द वर्ड्स हैव बीन ऑलवेज प्लेइंग अ वाइटल रोल, राइट. चाहे वो किसी प्रोजेक्शन को लेके बात हो, किसी को कन्विंस करना हो, आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड करने हो, किसी भी चीज को आपने अपने पॉइंट की तरफ अगले बंदे को अट्रैक्ट करना हो, तो जो सारी वर्ड्स गेम है वो बड़ी स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो जाए, होनी चाहिए. एंड सेम गोज फॉर कंटेंट राइटिंग. अच्छा,
फिर किस तरह आप अपनी कंटेंट राइटिंग को वर्थ नोटिसिंग बना सकते हैं, कुछ उसमें क्या टिप्स हो सकती हैं? ठीक है, वेल, अगर हम किसी पब्लिश कंटेंट को, कंटेंट राइटिंग को, सॉरी, किसी क्वालिटी कंटेंट राइटिंग को कहीं पब्लिश करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हम एक प्रोफेशनल कंटेंट राइटर को हायर करेंगे, ठीक है, कि जो ऑडियंस के अकॉर्डिंगली जबरदस्त तरीके से कंस्ट्रक्ट करे. अवॉइड, ही और शी शुड अवॉइड एक्सेसिव यूज ऑफ जार्गन्स. जार्गन जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं. देखें, आपने इतना ओवरली टेक्निकल साउंड नहीं करना. कुछ लोग कहते हैं ना कि वो स्मार्टनेस होनी चाहिए, लेकिन ओवर स्मार्टनेस नहीं होनी चाहिए. अगर मैं बड़ी मुश्किल मुश्किल टर्मिनोलॉजीज का सहारा लूं, और सेकेंडली मैं अगर एडवांस टर्मिनोलॉजीज टेक्निकलिटीज से फिल इन कर दूं अपनी कंटेंट राइटिंग पे, तो वो बहुत ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स या एडवांस चीजों को जो ऑडियंस समझती है वो तो शायद फॉर अ मोमेंट उससे इम्प्रेस हो, लेकिन जो रैंडम विजिटर है ना वो भाग जाएगा. सो इसमें आपके पास टाइम नहीं होता, यू डोंट हैव अ सेकेंड चांस. एक बार विजिटर जो आपका कंटेंट देख के इम्प्रेस हुए बगैर चला गया, वो फिर नहीं आएगा, दे विल गो फॉर सम अदर ऑप्शन. तो इसलिए आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट ही वेल प्लान्ड, वेल डिजाइंड होनी चाहिए कि आपकी जो ऑडियंस है वो उसके ऊपर स्टिक करे. दे शुड बी फोर्स्ड टू स्टे देयर. ओके, देन अनदर टिप, ऑलवेज कीप द सेंट्रल पर्पस ऑफ योर राइटिंग इन योर माइंड, कि आप जो लिख रहे हैं उस पर्पस से आप जो है डिट्रैक्ट ना हो. समटाइम हम अपनी किसी खास चीज, किसी प्रोडक्ट है, किसी चीज की मार्केटिंग करते करते कहीं और निकल जाते हैं इधर उधर. ठीक है, हमने लेंथी नहीं करना अपने आर्ग्यूमेंट्स को. अच्छा, फिर लैंग्वेज मैटर करती है. अगरचे कंटेंट राइटिंग एंड इंग्लिश राइटिंग समवट डिफरेंट फील्ड्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो कंटेंट इंग्लिश में है तो वो फिर ये डिमांड भी करता है कि इंग्लिश शुड बी रिटन इन अ मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनर. ठीक है, बात आप जितनी भी सही कर रहे हैं. मैं बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स देखता हूं जिनकी सर्विसेज हैं मार्केट में, जिनका आउटपुट है, लेकिन उनकी जो प्रेजेंटेशन है, उनका जो कंटेंट है, उसमें ग्रामेटिकली स्पीकिंग, उसमें टेक्निकली स्पीकिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइज, यू नो, पंक्चुएशन को लेके, उसमें काफी ज्यादा इस तरह की चीजें लैग कर रही होती. शायद वो इस तरफ ध्यान नहीं देते. पढ़ने वाले को समझ तो आ जाती है, लेकिन जो मतलब इस तरह के लोग होंगे जो इस तरह की चीजों को नोटिस करते हैं और जो पॉइंट आउट करेंगे, तो वो ऑब्वियसली आपकी जो प्लेटफॉर्म जो भी है जिसको आपने ऑनलाइन सेटअप किया हुआ है, वो उसका चार्म जो है, उसकी जो वर्थ जो है, वो डेफिनेटली सबसाइड हो जाएगी, कम हो जाएंगी. डू प्रॉपर रिसर्च बिफोर राइटिंग. ठीक है, रिसर्च का हमने डिटेल में लास्ट वीक भी बात की थी, तो दिस इज अगेन वन ऑफ द टिप्स कि आप जिस टॉपिक को, कंटेंट को प्रिपेयर करने जा रहे हैं, अगर वो कोई थोड़ा ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको पर्सनली इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उसको प्रॉपरली रिसर्च करें, ताकि आपके जो फैक्ट्स या जो आपके खासतौर पे हम समटाइम कंपैरेटिव एलिमेंट्स को लिख रहे होते हैं बीच में कि जी उन वो फला चीज ऐसी ऐसी है, तो यहाँ पे हम उनसे डिफरेंट है, यहाँ पे हमारी डिस्टिंक्शन है. तो आप जब अपनी चीज को मार्केट करते हुए डिस्टिंग्विश कर रहे होते हो, तो आपकी रिसर्च भी उस पर होनी चाहिए. अगर वो फेक होगी, गलत होगी, लास्ट टाइम किसी ने ये बात भी की थी कि उसमें हमने वर्क एथिक्स का भी ख्याल रखना होता है. ठीक है, तो उसमें कोई हॉक्स नहीं होना चाहिए कि लोग कहें हॉक्स, यानी कि इंफॉर्मेशन विच इज एब्सोल्युटली फॉल्स. फिर यूज ऑफ प्रॉपर फॉर्मेटिंग जो है, वो भी हमारे कंटेंट के प्रिपरेशन के लिए जरूरी होता है. सच लाइन, हेडलाइंस, बुलेटेड पॉइंट्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज मेन पॉइंट्स इन गुड ऑर्डर, अच्छे तरीके से हम उसे कर सके, ब्राउज करते हुए लोगों को कोई दुश्वारी ना हो. ठीक है, अब इस पे भी मैं आपका एंड पे फीडबैक लूंगा. ये कुछ चीजें थी रिगार्डिंग द क्वालिटी कंटेंट. अब जल्दी से कुछ इंग्रेडिएंट्स को पढ़ के फिर हम इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट राइटिंग फॉर विजुअली इंपेयर्ड वाले टॉपिक पे चलते हैं. बट बिफोर दैट, जस्ट वी नीड टू गो थ्रू सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स. इंग्रेडिएंट्स बेसिकली
वो चीजें वो एलिमेंट्स जिनको अगर हम अडॉप्ट करें तो ऑब्वियसली हम ज्यादा स्किलफुल अपनी कंटेंट राइटिंग को बना सकते हैं. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, इट एक्चुअली मींस द इंपॉर्टेंट टेक्निक्स और द स्पेसिफिक वेज, खास तरीके, वो ऐसी स्मार्ट मूव्स विच शुड बी कंसिडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग कंटेंट, जिसको कंटेंट को किसी भी मवाद को प्रिपेयर करते हुए आपको जहन में रखना चाहिए. ठीक है, अच्छा, उसमें नंबर वन है टू क्राफ्ट ए कंपेलिंग हेडलाइन. ठीक है, आपका जो टॉप है, आपका जो हेडर है, आपका जो स्टार्ट है, आपकी जो ओपनिंग है बेसिकली कंटेंट की, वो बड़ी कंपेलिंग होनी चाहिए. ठीक है, बिकॉज 80% ऑफ द पीपल जस्ट सी द स्टार्ट ऑफ योर कंटेंट राइटिंग और फिर वो डिसाइड करते हैं कि वेदर दे हैव टू गो ऑन रीडिंग विद इट या एक्सप्लोरिंग फर्दर या वो वहां से स्विच कर जाएं. तो इसलिए जितनी कंपेलिंग आपकी हेडलाइंस होंगी, आपका स्टार्ट होगा, आपकी जो ओपनिंग है वो होगी, वो फिर आगे से आगे मजीद गो थ्रू करने पे मजबूर करेगी. ओके, क्राफ्टिंग बेसिकली इम्पॉर्टेंट ओपनिंग विल ऑल्सो हेल्प यू and your customer to go through your articles or whatever content you have placed to the fullest. Yani use puri tarah wo go through karenge, do lines padh ke switch nahi kar jayenge. Okay, second ingredient or you can say tip will be connecting readers by an interesting introduction. Theek hai, aapka jo introduction hai, jo intro hai, basically jo bhi cheez aap आगे फर्दर जिन जिन चीजों को लेके चल रहे हो, वो ऑडियंस के लिए इंटरेस्टिंग है कि नहीं, वो उसमें अगर डलनेस आएगी, अगर वो कैची नहीं होगा, कैप्टिवेटिंग नहीं होगा, ठीक है, तो रीडर्स वुड नॉट हैव एन आइडिया, बेसिकली एन एग्जैक्ट आइडिया कि यार इसमें मुझे मेरे मतलब की चीज आगे जाके मिलेगी नहीं. बिकॉज इफ द इंट्रोडक्शन इज यू नो based on quality, तो क्या होगा, जो reader है he or she will have an immense interest to read further, वो आगे भी पढ़ने की दिलचस्पी लेंगे. अच्छा, then write for your audience, कि आप अपनी audience के लिखें. इसका क्या मतलब है इस ingredient का, basically we have to write down our content with a specific audience in our mind, कि हमारी जो target audience है उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है और हम किस मेजॉरिटी सेगमेंट को, मेजर सेगमेंट को करने जा रहे हैं, एड्रेस करने जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी डिजाइन फैशन रिलेटेड कॉन्टेंट, किसी भी फैशन बेस्ड वेबसाइट के ऊपर फैशन से मुंसलिक हम कॉन्टेंट लिखते हैं, तो हमारे जहन में जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस है, दे शुड बी फैशन इन्फ्लुएंसर्स, आर्टिस्ट, टीनेजर्स, बॉयज, गर्ल्स एक्सेट्रा. ठीक है, जो उस प्रोडक्ट के साथ, उस फील्ड के साथ, ठीक है, और इस बैकग्राउंड के साथ मुंसलिक हैं. इसी तरह अगर आपको टेक रिलेटेड चीज लिख रहे हैं तो आपके जेहन में वो लोग, वो ऑडियंस, वो एंड यूजर्स होंगे जो उसके बेनिफिशरीज हैं या उसके यूजर्स हैं, तो इसलिए उनको माइंड में रख के आपने अप्रोप्रिएटली बिल्डअप करना होता है कॉन्टेंट. ओके, बी engaging. Engaging से मतलब किस तरह के आप इंगेज कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं पढ़ने वाले को. बिकॉज इफ ऑडियंस इज नॉट एबल टू गिव यू रिस्पॉन्स, अगर आपको फीडबैक नहीं दे रहे, तो दे आर मे बी लैकिंग देयर इंटरेस्ट. सो हैविंग एक्सीलेंट कॉन्टेंट राइटिंग इज अबाउट टू हैव सिंपल लैंग्वेज यूज, काइंड ऑफ सिंपल टर्मिनोलॉजीज विच जो जनरल ऑडियंस है वो भी अंडरस्टैंड करे, तो वो बड़ा जरूरी है लोगों को इंगेजिंग करने के लिए, जस्ट टू कीप योर कॉन्टेंट इंगेजिंग, यानी कि लोग आपके साथ इंगेज हों, आपको अकॉर्डिंगली कॉन्टेंट भी उस हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ता है. ओके, किसी भी ब्रांड की पब्लिसिटी के लिए हमारी जो आउटलाइनिंग है कंटेंट की, रिलेशनशिप विद द क्लाइंट एंड
relevant stuff, वो भी crystal clear होना चाहिए. Because we need to provide the relevant knowledge which the reader wants to know or they are looking for. हमारे जेहन में होना चाहिए कि इस चीज से मुंसलिक हम जो दे रहे हैं, इसी से मुंसलिक लोग जो कनेक्टेड ऑडियंस आएगी, वो इन इन पॉइंट्स पे भी फर्दर एलेबोरेशन चाहेगी, तो हमें उसको ऐड करना चाहिए. फॉर एग्जांपल, आप आर्टिकल की हेडिंग दे देते हैं हाउ टू लूज वेट इन 7 days, तो आप वैसे मोटापे पे, फैटनेस पे बात करी जाते हैं, आप उन वेज को स्मार्टली नहीं डिस्क्राइब कर रहे, तो आप डाइग्रेस कर गए अपने मेन मीनिंग से. सो दीज आर सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स जिसको, जिन टेक्निक्स को, इंग्रेडिएंट्स को माइंड में रखते हुए आप अपने कंटेंट को ज्यादा क्वालिटी कर सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, द इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट राइटिंग फॉर द ब्लाइंड. Just give me a second. Achha ji, since most of us are visually impaired ya visually impaired, kis tarah unke liye important aur key रोल प्ले कर सकती है कंटेंट राइटिंग, उसको थोड़ा सा जनरली मैं आपके साथ शेयर करूंगा एंड देन आई लेट यू नो डिफरेंट एरियाज के जहां पे इन जनरल कंटेंट, वैसे तो बहुत सी हैं लेकिन सम ऑफ द एरियाज जो मैं आइडेंटिफाई करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस या जनरली जो चीज़ें अंडर ऑब्जर्वेशन हैं कि कहाँ कहाँ किस किन डोमेन्स के साथ आप अपनी कॉन्टेंट राइटिंग को लेकर अटैच हो सकते हो. So the blind can be hugely benefited if they are well connected with the skill of content writing. ठीक है, पहले तो you have to basically make sure कि आपके content writing skills अच्छे हों, आप इसमें खुद को well connect कर पाए, अपने आप को efficient बना सकें. क्योंकि keeping in mind the limitation of visually impaired, the field of content writing basically can play a vital role to get you financially independent. यानी कि हमारी काफी limitations होती हैं, मतलब वो लोगों की मैं बात कर रहा हूँ who do not have regular jobs. ठीक है, क्योंकि एक आम बंदे को who have no physical deficiency whatsoever, even उसको भी problem होती है market में अपने desired job को हासिल करने के लिए, तो हमारा तो problem कितने times ज़्यादा होता है. So what actually we can do ya content writing jo hai wo uska ek significant role hota hai ki hum bahut si aisi cheezon se bach sakte hain ki jahan pe hame opportunities deny kar di jati hain, because we have different kind of problems jaise accessing to workplace. theek hai, sometimes job opportunities are mainly missed or denied because of the issues such as, you know, lack of orientation and mobility problems. theek hai, sometimes workplaces far away, bahut zyada dur hoti jahan travel karke nahi ja sakte, aapki orientation mobility itni sahi nahi hoti ki aap field mein bahut zyada local transports ka ya waise wo itna safar karke jaye ya jis building mein aapne jana hai wahan tak aapki access nahi hai. it could be anything, any hindrance, any obstacle jo aapko जिसकी वजह से उस अपॉर्चुनिटी को मिस करना पड़ता है. सो इम्पॉर्टेंस ऑफ कंटेंट राइटिंग या इस तरह के जो ऑनलाइन बेस्ड एक्टिविटीज हैं, उनकी सिग्निफिकेंस क्यों और बढ़ जाती हैं? बिकॉज हम अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहते हुए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकते हैं. सो कंटेंट राइटिंग इन दिस वे बेसिकली इज वन हाईली प्रोडक्टिव डोमेन फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड. Of course, if they have the ability to accomplish it, यानी आप ये नहीं है कि आप घर बैठे बैठे आप content writing का कोई भी काम कर लेंगे. As I said before that, आपको अपने आप को इस skill में up to the mark करना है. Because content writing can play a massive role in many ways, क्योंकि it can enable you to
हैव अर्निंग अपॉर्चुनिटीज, आप घर बैठे बैठे कोई ना कोई अपनी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकते हैं. इफ यू गेट योर स्किल्स पॉलिश रिगार्डिंग कॉन्टेंट राइटिंग, आपको पता होना चाहिए वट आर द ट्रेंड्स एंड टेक्निक्स एंड हाउ एन अपीलिंग कॉन्टेंट राइटिंग इज जनरेटेड. ये सारी चीज में अगर आप एफिशिएंट होंगे तो ऑब्वियसली आप फ्रीलांस वर्ल्ड के अंदर जो है, फ्रीलांसिंग के अंदर जो है, अपने लिए कुछ ना कुछ रेलिवेंट अपॉर्चुनिटीज जरूर पा सकते हैं. सो इसलिए इम्पोर्टेंस जो है कंटेंट राइटिंग की, वो विजली पेड के लिए और भी ज्यादा हो सकती है. एक आम बंदा, इफ ही और शी इज अनएबल टू यू नो गेट बेनिफिटेड थ्रू कंटेंट राइटिंग, उसके पास और बहुत सी ऑप्शंस हैं. लेकिन घर बैठे हुए आप बहुत सी चीजें विद दिस वंडरफुल आर्ट, वंडरफुल स्किल, हाईली प्रेशियस स्किल आई वुड से, इसकी मदद से आप कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स नॉट जस्ट द कंटेंट राइटिंग, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी कंटेंट राइटिंग हैज बिकम इजियर फॉर पीपल विद विजुअल इंपेयरमेंट, इजियर देन एवर. क्योंकि अब हम देखो दो चीजें हैं, एक तो सिर्फ कंटेंट राइटिंग में हमने ऑब्वियसली उसकी तो जो इम्पोर्टेंस हमारे लिए है वो है, लेकिन आजकल जहां हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी की वजह से इतने ज्यादा टेक्नोलॉजिकली इंडिपेंडेंट है, ऑफ कोर्स इफ वी आर अगेन एफिशिएंट इनफ इन यूजिंग असिस्टिव टेक्नोलॉजी, तो हम इसकी इंपॉर्टेंस से, इसकी अफादियत से, कंटेंट राइटिंग के साथ जुड़े जो बेनिफिट्स हैं उससे पूरी तरह मुस्तफीद हो सकते हैं. ठीक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी, असिस्टिव टेक्नोलॉजी की मैं बात करता हूं क्योंकि आपने ऑब्वियसली आपके पास वेपन्स होने चाहिए, आपको यूज ऑफ वेपन्स भी आना चाहिए. ठीक है, तो हमारे जो स्क्रीन रीडर्स हैं, स्पीच रिकग्निशन प्रोग्राम्स हैं, एप्स लाइक नेचुरल ड्रैगन, इवन आई मेट अ पर्सन ऑनलाइन कपल ऑफ इयर्स बैक हु वाज विजुअली इंपेयर्ड एज वेल एज यू नो ही वाज अनएबल टू टाइप यूजिंग हिज हैंड्स, उसके कोई हाथों का भी मसला था. तो ही वाज वेरी सक्सेसफुल कंटेंट राइटिंग कंटेंट राइटर, और वो नेचुरल ड्रैगन सॉफ्टवेयर को यूज करके कि जिसमें सिर्फ वो बोलता था, डिक्टेशन करा के वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए अपनी राइटिंग सर्विसेज दे रहा था. ठीक है, तो विद अवेलेबिलिटी ऑफ जॉज, NVDA एंड अदर यू नो सच टूल्स, वी कैन ऑफ कोर्स टेक बेनिफिट ऑफ कंटेंट राइटिंग, ऑफ कोर्स अगर हम उस स्किल में अच्छे हैं तो. There are number of content writers, visually impaired content writers all over the world who are giving their content writing services to different websites. Websites ko bhi wo apni services de rahe hain, bahut se social media based platforms ko bhi apni services de rahe hain, and they are of course generating handsome money. The content writing domain jo hai, this is also very important for the blind, considering the fact kyunki in online marketing they see your ability not disability. Ab hota kya hai, kyun content writing ya online is tarah ki assignments hamare liye aur bhi zyada vital ho jati hain. Hame pata hai ki hum 10 koi jobs aati hain, opportunities aati hain, usme apply karte hain. And we are very much sure and confident कि यार हम इस काम को अच्छे से कर भी सकते हैं. We have the potential, we have this particular skill. लेकिन जब हम उसके लिए जाते हैं तो interview जो होते हैं ना, before assessing our ability, before assessing the required skills, वो इस चीज को assess करने लग पड़ते हैं कि ये person with disability है या person with blindness है. तो they actually have the instant doubts in their mind कि यार ये बंदा ये बंदी किस तरह करेगी. नहीं नहीं नहीं, वो अंदर ही अंदर चाहे फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आपका इंटरव्यू ले भी लें तो वो एक्चुअली रिलक्टेंट होते हैं, हेजिटेंट होते हैं टू हायर यू टू एक्चुअली गिव यू द अपॉर्चुनिटी. तो क्या होता है कि 10 में से 8 अपॉर्चुनिटी आपकी अनफॉर्चुनेटली इस बिटर फैक्टर की वजह से निकल जाती हैं कि लोगों का लैक ऑफ ट्रस्ट होता है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ योर इनएबिलिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर अनअवेयरनेस, उन्हें पता ही नहीं होता कि यार ये कर सकते हैं. तो कंटेंट राइटिंग या ऑनलाइन असाइनमेंट्स का एक ये भी फिर सिग्निफिकेंस आ जाती है. आप देखते हैं कि ऑनलाइन फला फला सर्विसेज रिक्वायर्ड है कंटेंट राइटिंग में लेके, यू जस्ट ड्रॉप योर सीवी, आप अपने स्किल्स, अपने सैंपल्स, अपना पब्लिश काम के एग्जाम्पल दे देते हो तो वो उससे इंप्रेस होकर आपको असाइनमेंट्स दे देंगे. आपकी विजुअल इंपेयरमेंट को उन्हें असेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर विद दैट, अनलेस कि आप उनके रेगुलर
ऑब्वियसली उनके साथ चलते हैं तो फिर आगे जाके पता चले, तो तब तक इसका जो इफेक्ट जो है वो ऑब्वियसली निगेट हो गया होता है, निगेटेड होता है. सो दैट इज वन प्लस पॉइंट ऑफ ऑनलाइन बेस्ड कंटेंट राइटिंग सर्विसेज या इस तरह की अपॉर्चुनिटीज, कि उसमें वो अपॉर्चुनिटीज हमारी जो विजुअल इंपेयरमेंट की तरह से मिस हो जाती हैं फिजिकली किसी जगह पे जाके, उस चीज से भी हम बच जाते हैं, विच इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट. उस पर अवेयरनेस पे काम होना चाहिए, इट्स अ सेपरेट इशू, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंस है. अच्छा, और कहाँ कहाँ कंटेंट राइटिंग अपना प्ले पार्ट जो है प्ले करती है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड? अच्छा, ये आपको आप अपने स्किल के थ्रू अगर कंटेंट राइटिंग में खुद को इंगेज करते हो तो इट विल गिव यू सम अदर स्किल्स आल्सो. जैसे टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाएगी कंटेंट राइटिंग, ये आपको कोलैबोरेशन सिखाएगी, ठीक है, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टिप्स हैं आपकी टेक्निक्स है उसको एनहांस करेगी, क्योंकि इस मार्केट में डेडलाइंस पे चलना होता है. लास्ट वीक पे भी हमने एक टॉपिक में बताया था कि किस तरह डेडलाइंस को मीट करना, गिवन फ्रेमवर्क के अंदर अंदर आपने सारा कुछ करना होता है, जिससे अल्टीमेटली आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ होती है और भी बहुत सी चीजों को लेके. सो ऑल इन ऑल द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट राइटिंग फॉर द ब्लाइंड कैन नॉट बी इग्नोर्ड इन टूडेज वर्ल्ड. और ये दिस इज क्वाइट मैनेजेबल, ये ऐसी चीज नहीं है वो हम कर नहीं सकते. अगर आपके पास टेक्नोलॉजी को यूज करने के स्किल्स हैं, अगर आपकी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स हैं और कंटेंट राइटिंग के आर्ट के साथ आप अच्छी तरह कनेक्टेड हैं, तो डेफिनेटली आप अपने लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं. ओके जी, लास्ट टॉपिक आज का, इसमें हम थोड़ी सी बात करके देन आई विल कम टू यू गाइस के आप क्या इस पे समझते हैं, और इन पॉइंट्स के अलावा जो ऊपर भी अभी अब तक मैंने डिस्कस किए हैं और अभी जो मैं फाइनल ये करने जा रहा हूँ, यू नो वेरी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, के बेसिकली द सूटेबल एरियाज ऑफ कंटेंट राइटिंग फॉर द ब्लाइंड, ठीक है. और इस पे भी मैं चाहूंगा कि आप भी अपना ओपिनियन दें, फीडबैक दें, कोई रेलिवेंट क्वेश्चन हो तो वो आप कर सकते हैं. अब देखें, आपको कंटेंट राइटिंग आती, यू आर अ गुड राइटर, योर इंग्लिश इज गुड, आप सोशल मीडिया ऑब्जर्व करते रहते हो, आप एड्स को, आप प्रोमोस को, प्रोजेक्शनल पीसीस को, आर्टिकल्स को, सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग को गो थ्रू करते रहते हो, एंड इन द प्रोसेस यू थिंक एंड यू कंसिडर योर सेल्फ एफिशिएंट राइटर ऑल्सो. तो उसमें अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आते हैं कि यार कहाँ कहाँ ऑब्वियसली आप अपने आप को फिट इन कर सकते हो, क्योंकि जाहिर है 10 अगर कंटेंट राइटिंग की पोस्ट आपको नजर आती है एक सिंगल डे में, तो उसपे अप्लाई करने वाले हजारों लोग होते हैं, ठीक है. आपने पिक एंड चूज करना होता है जहां पे आपको अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज लगते हैं. तो जो कंटेंट राइटिंग की डोमेन है जहां आप अपने आप को एक, मैं समझता हूँ, उस काम के साथ कंपेटिबल खुद को समझते हो, मैनेजेबल आप समझते हो को आपके लिए वो चीज है, तो आप उन एरियाज में अप्लाई कर मतलब उसको अवेल करने के लिए अपनी सीवी भेज सकते हो, अप्लाई कर सकते हो उस रोल के लिए. सो आई एम गोइंग टू कम अप विद लिस्ट ऑफ यू नो दोज अपॉर्चुनिटीज जहां पे आप कर सकते हो. ये सम ऑफ द एरियाज हैं, इसके अलावा भी ऑब्वियसली ये तो एक, एज आई सेड के देर आर हंड्रेड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड वेज के यहाँ जहां पे कॉन्टेंट राइटिंग की जरूरत पड़ती है. So there are multiple areas in the broader domain of content writing where the blind content writers can generate opportunities for themselves. अब वो कौन कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये जहन में रहे, before actually being efficient with content writing, it is also quite essential to be equally efficient in the use of assistive technology. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मिस अनम बताइएगा if you are around. Yes, you are audible. Okay. ठीक है, ये सारी चीजें जो मैं बताने जा रहा हूँ इन एरिया से पहले, ये आपके माइंड में रहे कि आपने कंटेंट राइटिंग में एफिशिएंट होने के साथ साथ यू शुड बी इक्वली गुड इन हैंडलिंग असिस्टिव टेक्नोलॉजी, यानी स्क्रीन रीडर का यूज, एप्स का जनरेट, सर्च करने वाले टूल्स का यूज, ठीक है, और डिफरेंट एप्स जो कंटेंट राइटिंग में आपको मदद देती हैं, ठीक है. समटाइम्स
ये जो कंटेंट राइटर्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि उनके स्पेलिंग्स बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो, बट वो उन टूल्स को यूज करते हैं जिससे वो अपनी ग्रामर मिस्टेक्स, जिससे वो अपने स्पेलिंग एरर्स को ऑब्वियसली खत्म करके फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो नॉट जस्ट दैट, और भी बहुत से जो यूजफुल टूल्स हैं उसके साथ भी आपने खुद को फेमिलियराइज करना है। ओके अच्छा, नंबर वन है जी, कंटेंट राइटिंग में जो आप कोई विजुअली इंपेयर्ड कर सकता है, इंटरव्यू स्क्रिप्ट्स। व्हाट एक्चुअली वी कैन डू, अगर हमें कोई ऐसा काम मिलता है, वी कैन कंडक्ट इंटरव्यूज मे बी ओवर द फोन लाइन, ओवर द फोन, ठीक है, या ऑनलाइन, एंड देन वी कैन प्रिपेयर द स्क्रिप्ट फॉर इट। ठीक है, जिस तरह हमारी नई सुबह में भी इंटरव्यूज होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सक्सेस स्टोरीज के पहले इंटरव्यूज होते हैं, फिर उसका स्क्रिप्ट जो है, उसका जो टेक्स्ट जो है, वो इंटरव्यूज का कंटेंट जो है वो पब्लिश किया जाता है। सो सेम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कैन बी अवेल्ड बाय यू, और ये आप देखें, ये काम आप अगेन अपने घर में बैठे हुए सुकून से कर सकते हैं। सो यू कैन वर्क फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, ऑफ कोर्स यूजिंग लैपटॉप एंड कंप्यूटर। तो आप ऑनलाइन इंटरव्यूज भी कंडक्ट कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं, स्काइप पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, आप साथ साथ टाइप करके भी और बाद में भी कुछ पॉइंट्स बना के उसका स्क्रिप्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग बेसिकली गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम टू सेट अप योर आवर्स एंड स्केड्यूल, और वो भी आप अपने स्केड्यूल पे मतलब कर सकते हो। आपको दिया जाता है कि जी 24 घंटे के अंदर अंदर आप ला बंदे का इंटरव्यू करके उसका स्क्रिप्ट प्रिपेयर करके दें, तो आप 3 बजे का टाइम कर लेते हैं, 5 बजे का टाइम कर सकते हैं, ऑन योर कन्वीनियंस, तो आप उसको करके दे देते हैं। तो इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें आपको तैयार होके ट्रेवल करके कहीं नहीं जाना। ओके, देन व्हाट एल्स, देन यू कैन राइट सोशल मीडिया पोस्ट फॉर द प्रमोशन एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेरियस इंडिविजुअल्स। वो आप जो सोशल मीडिया के लिए पोस्ट लिख सकते हैं प्रोजेक्शन के लिए, प्रमोशन के लिए, वो किसी इंडिविजुअल्स की भी हो सकती है, ब्रांड्स की भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशंस की भी हो सकती है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की भी हो सकती है, इट कुड बी एनी अदर इंपॉर्टेंट सर्विसेज। ठीक है, आप उनके लिए मार्केटिंग कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर हम देखते हैं, फेसबुक पे पेजेस बने होते हैं, ट्विटर के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए उनकी जो पोस्ट होती हैं उसमें भी आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। एंड इफ यू आर रियली गुड इनफ इन कंटेंट राइटिंग, आपको क्वालिटी कंटेंट राइटिंग आती है, यू कैन इवन मैनेज द सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ वेरियस इंडिविजुअल्स, हाई प्रोफाइल जो होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो आप उनके फेसबुक, ट्विटर और दूसरे जो सोशल मीडिया हैंडलिंग कर सकते हैं। एंड यू कैन शेयर द फ्रीक्वेंट न्यूज अपडेट्स, उनकी जो भी ऑन गोइंग प्रोग्रेस है, उनकी जो भी चीजें हैं, अपडेट्स हैं, वो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, आई जस्ट गिव यू एग्जाम्पल, ये जितने भी हाई प्रोफाइल फिगर हैं, आप बात करें इमरान खान साहब हैं, दीगर लोग हैं, डिग्निटरीज हैं, सेलिब्रिटीज हैं, आपको क्या लगता है कि वो ट्विटर फेसबुक पे पोस्ट खुद कर रहे होते हैं? नो, दे हैव देयर सोशल कंटेंट राइटर्स, सोशल मीडिया कंटेंट राइटर्स, जो उनकी तरफ से लिख रहे होते हैं, जो उनकी तरफ से ऑडियंस के साथ, पब्लिक के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, हम ऐसे बहुत सी सेलिब्रिटीज देखते हैं जो जिन्हें हम टीवी में सुनते हैं या ऑडियो में सुनते हैं, तो हम देखते हैं कि वो किस तरह फंबल कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनकी ट्वीट्स या उनकी फेसबुक की पोस्ट देखते हैं तो बड़ी शानदार इंग्लिश लिखी होती है, बड़ा जबरदस्त कंटेंट होता है। तो ऑब्वियसली समवन इज मैनेजिंग इट ऑन देयर बिहाफ। तो इस काम को भी विजुअली इम्पेयर्ड, इफ दे हैव द रेलिवेंट स्किल्स, तो वो इसमें भी अपने आप की सर्विसेज दे सकते हैं, खुद की सर्विसेज दे सकते हैं। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड, वेयर एल्स वी कैन फिट इन आवर सेल्फ विद आवर, यू नो, विद द स्किल ऑफ कंटेंट राइटिंग, वी कैन राइट वेरियस आर्टिकल्स। किस तरह के आर्टिकल्स, देखें समटाइम्स डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट्स या कंपनीज जो हैं या प्लेटफॉर्म्स जो हैं, दे नीड आर्टिकल राइटर्स, वो ऐसे कंटेंट राइटर्स को अप्रोच करते हैं जो उनके लिए रेलिवेंट आर्टिकल्स लिखते हैं। वो मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, फॉर पब्लिशिंग इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स, इंफॉर्मेशन बेस्ड हो सकते हैं, प्रमोशनल आर्टिकल्स हो सकते हैं कि उनकी सर्विसेज के जिसमें प्रमोशन हो, या आर्टिकल्स वेरियस रिगार्डिंग वेरियस टॉपिक्स, जैसे अगर किसी की वेबसाइट है उससे मुंसलिक उसी टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल्स होंगे,
आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेस्ड वेबसाइट पे चले जाते हो, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, तो वहां पे आपको हेल्थ रिलेटेड आर्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है। आप किसी सिनेमा की किसी मल्टीमीडिया बेस्ड वेबसाइट पे चले जाते हो तो वहां पे आपको शोबिज रिलेटेड आर्टिकल्स मिलेंगे। तो रेलिवेंट डोमेन के अंदर अंदर उन टॉपिक्स से मुंसलिक भी आर्टिकल होते हैं विच यू कैन मैनेज। देन कम्स अ ब्लॉग राइटिंग, ठीक है। अब जो ब्लॉगर्स होते हैं सम टाइम उन्होंने फर्दर कंटेंट राइटर्स हायर किए होते हैं जो उनके बिहाफ पे ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। अब एक बंदा इतना बिजी है, बस उसने वेबसाइट बनाई हुई है, वो ऑनलाइन अपने 10 प्रोडक्ट्स को लेके चल रहा है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो डेली के सुबह और शाम दो ब्लॉग्स भी उस पर डाले। तो बीइंग ए कंटेंट राइटर, बीइंग ए ब्लाइंड कंटेंट राइटर, यू कैन बी हायर्ड, यू कैन बी आस्क्ड एंड यू कैन बी ऑफ कोर्स अप्रोच्ड फॉर दिस काइंड ऑफ सर्विस आल्सो, कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ब्लॉग उसको लिख दो, जो भी जिस भी टॉपिक को जिस भी वे में जिस भी स्टाइल के अकॉर्डिंगली वो चाह रहा है, जस्ट यू नो हैव एन आइडिया और अकॉर्डिंगली आप यू कैन प्रोसीड विद दैट। अच्छा, फिर व्हाट वी कैन डू with the skill of our content writing, we can actually come up with the written pieces jo ke personal ventures jo hote hain online usko promote karne ki garz hote hain. Jaise if somebody has launched something online, koi bhi food related item ho sakta hai, service ho sakti hai, or somebody has set up any store online, to uski publicity ke liye bhi usko banda hire karna padta hai jo uske behalf pe marketing kar raha hota hai, फेसबुक पेजेस के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर। तो उस वेंचर की पब्लिसिटी के लिए भी आप ऑफ कोर्स कर सकते हैं, जिस तरह हमारा टाइम अप है, हमारे कितने प्रोजेक्ट्स हैं नई सुबह के, तो उसकी हम पब्लिसिटी कर रहे होते हैं डिफरेंट वेब पेजेस के ऊपर। तो दैट इज अगेन ए जॉब, कंटेंट राइटिंग रिलेटेड जॉब। ओके, देन कम्स द वेब कंटेंट राइटिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट, और ये मैंने की भी हुई है, और बहुत से विजुअली इंपेयर्ड वेब कंटेंट राइटिंग करते हैं। देखें, दो चीजें होता है, एक वेबसाइट को टेक्निकली मैनेज करना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा सोर्स कोडिंग के, जी वो ड्रूपल के थ्रू या वर्डप्रेस के थ्रू या पीएचपी के थ्रू, या जिस तरह पहले वो एचटीएमएल बेस्ड होता था, कोडिंग सारी करके वो आप सारी वेबसाइट की स्ट्रक्चरिंग करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉन्टेंट। बट आई एम जनरली टॉकिंग अबाउट द जनरल कॉन्टेंट जो इन्फॉर्मेटिव और रेलिवेंट स्टफ होता है इन राइटिंग वेब पेजेस के ऊपर। तो वो वाली कंटेंट राइटिंग जो है ऑफ कोर्स वो हम इजीली कर सकते हैं। एक वेबसाइट के ऊपर वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, चीजें हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड है तो उसकी इंफॉर्मेशन है, किताबों से मुंसलिक काइंड ऑफ लाइब्रेरी है तो उससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है। हर सेक्शन रिक्वायर्स ए सेपरेट एक्सप्लेनेशन एंड एलेबोरेशन फॉर द ऑडियंस, तो वो जितनी एक्यूरेट होगी, जितनी बेसिकली इफेक्टिव वे में प्रेजेंटेड होगी, तो उतनी ही ज्यादा उस वेबसाइट के विजिटर्स की जो एक रेशियो है वो बढ़ता चला जाएगा। सो ब्लाइंड कंटेंट राइटर्स कैन डील विद दिस टास्क क्वाइट इजीली, बिकॉज राइटिंग अ पर्टिकुलर वेब कंटेंट फॉर वेरियस वेबसाइट्स इज क्वाइट मैनेजेबल, अगर हमारे पास स्किल्स हैं तो। वी कैन एक्चुअली प्ले अ रोल to attract the website visitors big time, kyunki people actually visit 100 of websites, they will only stay longer on your web pages if they find the content which is purely appealing, jo us pe cheeze hain aaya wo wonderfully described hain, kya wo attract kar rahi hain, kya wo pura meaning convey kar rahi hain, जो चीजें उस वेब पेज के ऊपर या उन वेब पेजेस के ऊपर एग्जिस्ट कर रही हैं। सो दिस इज अगेन वन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कंटेंट राइटिंग के जिसमें हम खुद को कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन कम्स द कैप्शनिंग एंड डिस्क्रिप्शन, एंड इट कुड बी इमेज डिस्क्रिप्शन आल्सो। दिस इज अगेन वेरी यूनिक एंड इंटेलिजेंट पार्ट ऑफ कंटेंट राइटिंग, क्योंकि इसमें आप किसी भी तरह का झोल जो है, वीकनेस जो है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये विजुअली इंपेयर्ड बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, यूट्यूब के ऊपर हमें कोई कंटेंट करता है कि यार मैंने ये कंटेंट किया है,
प्रिपेयर किया है, मुझे मेरी इस वीडियो के लिए, मुझे इस ऑडियो के लिए कैप्शनिंग कर दो, टाइटल्स कर दो, उसकी जो एक वन लाइनर है, जस्ट टू इंगेज द ऑडियंस एंड अट्रैक्ट द यूट्यूब पे जो भी लोग ट्रैफिक आ रही है कि वो उस चीज को पढ़ें, फौरन क्लिक करें, तो उसको बड़ा स्मार्टली करना पड़ता है। एंड सेम गोज फॉर वेरियस अदर सेक्शंस, आपने वेबसाइट के ऊपर, डिफरेंट सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर जो चीज लिखी है उसकी कैप्शनिंग कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। समटाइम्स लिंक्स के अंदर इंफॉर्मेशन होती है और अगेन उस लिंक की जो कैप्शनिंग है वो मुतय्यन करती है कि रीडर उसको क्लिक भी करेगा या नहीं। अच्छा, फिर इमेज डिस्क्रिप्शन, मैं क्यों समझता हूँ कि हम ज्यादा बेहतर कर सकते हैं विजुअली इंपेयर्ड, क्योंकि आजकल हम देखते हैं इमेजेस के अंदर टेक्स्ट लिखा होता है, विच एक्चुअली लेट्स अस नो विद द हेल्प ऑफ आवर स्क्रीन रीडर के व्हाट एक्चुअली दिस इमेज इज ऑल अबाउट, इस इमेज के अंदर क्या है, whether two boys are walking holding each other hand, there is a man with glasses smiling, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर हमें कोई बंदा इस चीज के लिए भी हमसे काम लेता है और हम उससे इमेज की डिस्क्रिप्शन सुन लेते हैं, तो हम उसको ज्यादा एक्सेसिबल तरीके से, ज्यादा डिस्क्रिप्टिव और ज्यादा यूजफुल इसलिए बना सकते हैं कि बीइंग विजुअली इंपेयर्ड हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इस इमेज की क्या प्रॉपर डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड हो सकती है फॉर विजुअली इंपेयर्ड इन ऑर्डर टू गेट द होल आइडिया, कि जिसको पढ़ के पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए, क्योंकि हमने तो उस तस्वीर को, इस इमेज को, उस फोटो को थ्रू वर्ड्स अपना कॉम्प्रिहेंड करना है, अंडरस्टैंड करना है और उस तक अपनी क्लैरिटी जो है, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना है। तो आई थिंक वो अगेन हम अपने एक्सपीरियंस की मदद से ज्यादा बेहतर उसको बना सकते हैं। ओके, देन कम्स द राइटिंग न्यूज़लेटर्स। किसी भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म की जो न्यूज़लेटर्स होते हैं वो बजरिया ईमेल सब्सक्राइबर्स को पहुंचते हैं, जो जो जिस जिसने भी सब्सक्राइब कर रखा होता है, या डिफरेंट ऑफर्स आती हैं, ठीक है, तो उसमें मुख्तलिफ तरह की खबरें, उनके इवेंट्स वो आते हैं। अगेन दिस इज ऑल्सो क्वाइट मैनेजेबल फॉर विजुअली इंपेयर्ड। हम देखते हैं हमारे इनबॉक्स में अक्सर उन प्लेटफॉर्म्स की ईमेल आ रही होती हैं जहां हमने खुद को सब्सक्राइब किया होता है, तो वो मंथली बेसिस पे या यू नो सेमी एनुअली, क्वार्टरली, ठीक है, पीरियडिकली कुछ ना कुछ उनकी तरफ से आता रहता है। तो उन न्यूज़लेटर्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है, उनके ऑनगोइंग जो एडवेंचर्स होते हैं, ऑनगोइंग उनकी जो प्रोग्रेस होती है, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं या उनके कुछ चेंजेस होते हैं, तो वो फैसिनेट तरीके से एक इंफॉर्मेशन फील्ड जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट किया जाता है। ओके, जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं। कंटेंट राइटिंग फॉर एकेडमिक असाइनमेंट्स, अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं समझता हूँ जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के हैं और उनकी अच्छी राइटिंग स्किल्स हैं, तो वो भी इस तरह की कंटेंट राइटिंग में अपना रोल प्ले कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। देखें, समटाइम्स वी आर आस्क्ड टू कम अप विद अ पर्टिकुलर बुक रिव्यू। बहुत सी ऐसी वेब पेजेस बने होते हैं या फेसबुक पेजेस बने होते हैं जहाँ पे एक बुक, एक नॉवल किसी ने पब्लिश किया है या किसी का और प्रीवियसली पब्लिश नॉवल है, तो उस पर कहा जाता है कि इस पर बुक रिव्यू लिख दें। अच्छा, देन वी आर गिवन वेरियस टॉपिक्स टू मेक असाइनमेंट। ये भी आजकल की यू नो कमर्शलाइज्ड है, मैं समझता हूँ आजकल के दौर में एजुकेशन में, सो दिस इज अ काइंड ऑफ बिजनेस के बाहर के मुल्कों में जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑब्वियसली पार्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो वो अपने ऑनलाइन सर्विसेज हायर करते हैं इस चीज के लिए भी कि उनके बिहाफ पे उनकी कोई असाइनमेंट्स बना दे, डिफरेंट टॉपिक्स को, कोई एसेज हो जाए, कोई रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स हो जाए, तो उन एकेडमिक असाइनमेंट्स को, यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स को आप अच्छे से उनके लिए कर सकते हैं, ऑफ कोर्स ऑन पेमेंट। प्रोड्यूसिंग मोटिवेशनल कॉन्टेंट, फिर बहुत सी ऐसी वेबसाइट, मैं फिर समझता हूँ ये हमारे लिए ये अगेन ज्यादा रेलिवेंट है, बींग समवन हु एक्चुअली हैज द रेलिवेंट एक्सपीरियंस, तो हम ऐसा जो इंस्पिरेशनल कॉन्टेंट प्रिपेयर करना होता है, देखिए ह्यूमन राइट्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन बेस्ड, आप देखें यूएन की जो ह्यूमन राइट बेस्ड पेजेस हैं वो आप कभी गो थ्रू करें, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जिस तरह HI है, LRC है, इवन VI बेस्ड NFBI, नेशनल फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड, उसके अलावा आप ये UK की जो RNIB वगैरह, इनके आप पेजेस पे देखें कि जो मोटिवेशनल कंटेंट राइटिंग होती है, जो इंस्पिरेशनल पीसीज होते हैं, वो किस तरह से अवेयरनेस का भी पर्पस फुलफिल कर रहे होते हैं और साथ ही साथ उनकी जो ऑनगोइंग सर्विसेज होती हैं उनको लोगों तक बड़े अपीलिंग वे में कन्वे कर रहे होते हैं। तो अगेन बींग ब्लाइंड,
we can manage this task quite efficiently. ठीक है, उसमें हम motivational stories, success stories जो हैं visually impaired लोगों की या other person with disability की, not just visually impaired लोगों की, हम और success stories भी उठा सकते हैं. ठीक है, जिस तरह अब्दुल सितार ईदी की motivational story in order to project and promote the social work values. तो different तरह की motivational और inspirational writings को आप relevant stories के साथ आप अच्छे तरीके से through your content writing present कर सकते हैं. Okay, last but not the least, press releases or event coverage. ठीक है, आप किसी organization के साथ मुंसली के आप उनके साथ agreement करते हैं कि यार आपकी जो भी आपने news market में अपने press releases आपने शाया करनी है वो आपके बिहाफ पे मैं लिख सकता हूँ. And then उनके जो ongoing events होते हैं उसकी coverage आने से पहले भी उसकी publicity की जी this particular event is going to take place on this date, whatever is you know the theme of that occasion is, वो आप अच्छे से कर सकते हैं, उसकी coverage कर सकते हैं. तो ये सारी जो चीजें हैं, I'm skipping few points because of the you know time factor को लेके, but these are some of the important areas where we can, being content writer talking about you know visually impaired, वो हम काम कर सकते हैं, अपनी services दे सकते हैं. और इसके अलावा भी इस तरह की बहुत सी other domains हैं कि जहाँ पे if you have the relevant skills, again दो चीजें आपने mind में रखनी है, content writer होने के साथ साथ being visually impaired, assistive technology and relevant tools का इस्तेमाल, efficient use. So with these powerful tools we can become a good content writer and we actually can generate number of opportunities for us. घर बैठे बैठे हम अपने आप को financially independent कर सकते हैं. तो ये आज की main चीजें थी. अब मैं चाहूंगा कि मिस अनम ये अनम्यूट करते हैं आप माइक लोगों के. इस सारी चीज से रेलिवेंट आप कुछ पॉइंट अपना ऐड करना चाहें, आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, या कोई फीडबैक देना चाहे, तो यू आर मोस्ट वेलकम. ऑलराइट, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो अपना हैंड रेज करें, हम आपका माइक अनम्यूट करेंगे. हनीफ देखिएगा जो हैंड रेज करे, अलिशबा का माइक अनम्यूट कीजिएगा. हनीफ हेलो जी. यस, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है. एक्चुअली मैंने इस फरवरी में अपने आप को freelancer.com पे कराया था रजिस्टर भी, और मैं काफी अच्छा freelancer पे रही भी, बट मेरा ये इशू था क्योंकि मैं बिगिनर थी तो मेरा कोई पोर्टफोलियो नहीं था. तो जो बिगिनर्स हैं वो पोर्टफोलियो कहाँ से अरेंज करें फिर अपना? ओके, कहाँ पे आपने सेटअप की थी अपनी प्रोफाइल? freelancer.com पे. ओके, अच्छा देखें, ये जो आप जिस पॉइंट को मेंशन कर रही हैं ये फ्रीलांसिंग में आता है, उसके टूल्स में आता है. हम सिर्फ कंटेंट राइटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें मैं आपको एक यूजफुल टिप बता देता हूँ कि ये जितने भी इस तरह के फ्रीलांसिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह freelancer.com की आप बात कर रहे हैं, फाइवर है, अपवर्क है, गुरु है, वहां पे आपको अपनी गिग्स क्रिएट करनी पड़ती हैं. आपको आप उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब से थोड़ा सा इन उन चीजों को देखें, क्योंकि विजली इम्पेयर्ड लोगों का एक ये प्रॉब्लम होता है कि वो अपने सर्विसेज को रेलिवेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मार्केट करना, अपनी जो प्रोफाइल्स हैं उसको प्रॉपरली सेटअप नहीं कर पाते, तो उसमें वो लैक करता है. समटाइम उस प्लेटफॉर्म की एक्सेसिबिलिटी का भी इशू होता है, और समटाइम्स हम उन टेक्निक्स में लैक कर रहे होते हैं. तो उसमें आप उन यूट्यूब पे कुछ वीडियोज देखें या वेब पे सर्च करें कि किस तरह से गिग्स बनाए जाते हैं, किस तरह से आप अपनी प्रोफाइल के अंदर किन एलिमेंट्स को आप प्रोमिनेंट रखेंगे ताकि जो क्लाइंट्स हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो. क्योंकि होता ये है कि जो जिसकी प्रीवियसली कंप्लीटेड असाइनमेंट्स होती हैं,
जाहिर है उसकी प्रोफाइल के साथ मेंशन होता है सारी ऑनलाइन स्टार्स डेटिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग, तो देर आर ऑलवेज चांसेस कि जो मार्केट में एक्सपीरियंस्ड कंटेंट राइटर या जो भी फ्रीलांसर बैठा है वो जो नया क्लाइंट आता है वो उस तरफ ज्यादा होता है। नए बंदे को इनिशियली प्रॉब्लम होता है, लेकिन उस चीज में आपको थोड़ा स्ट्रांगली अपनी स्किल्स को शोकेस करना पड़ता है उन टेक्निक्स को उन चीजों में, और फ्रीलांसिंग की वो जो टूल्स हैं अगेंस्ट वो दैट कम अंडर द फील्ड ऑफ फ्रीलांसिंग, तो उसमें आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस तरह की रेलिवेंट टेक्निक्स को थोड़ा स्टडी करो। आप गूगल भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा, और उस तरह से फिर आप मार्केट करने की कोशिश करो अपनी सर्विसेज, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको जरूर क्लाइंट्स आएंगे। और मैं समझता हूँ कि विजली पेड के लिए मेरा अपना जाती तजर्बा ये है कि ये यू नो प्लेटफॉर्म्स लाइक अपवर्क फ्रीलांसर्स वगैरह वगैरह, इसकी बजाय आप सोशल मीडिया पेजेस पे खुद को ज्यादा मार्केट करो, वो हमारे लिए एक्सेसिबल भी होता है, उसमें हमें कॉमन क्लाइंट जो मिलता है वो भी मिल जाता है, क्योंकि ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोग उसको ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं जिसकी देखा जाता है कि प्रीवियसली सबमिटेड और अकम्प्लिश्ड काम कितना है। तो आप FB के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, दीगर इस तरह के सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर अपनी सर्विसेज मार्केट करो, तो आप यू नो वन टू वन अपने क्लाइंट के साथ ज्यादा अच्छे से कनेक्शन में आ सकते हो। जी नेक्स्ट। ओके वकास सेकंड नंबर पे थे, वकास आपको अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? जी वकास कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं यही है कि अप्रिशिएट करूंगा, रोज की तरह कह लो या रेगुलर जैसे भी मैं वर्कशॉप अटेंड करता हूँ, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है आप लोगों का और काफ़ी नॉलेजेबल। प्लस ये कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना ओवरलैप कर रही होती हैं, अब मतलब मोस्टली डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा होता। अब जैसे आप बता रहे थे आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग और इस तरह की चीज़ें, अब वो उसमें क्या मतलब कि मतलब ये कि उसमें इतना ज्यादा जरूरत तो नहीं है ना एक कंटेंट राइटर को कि ये जानने की कि आया ये आर्टिकल राइटिंग है या वेब राइटिंग है, जो भी है बस है आई थिंक सो। मतलब इसमें आप क्या थोड़ा रोशनी डालेंगे इस पे? देखिए उसमें आप जो बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा मैं चीजों को मल्टीपल एंगल से इसलिए बता रहा होता हूँ क्योंकि आर्टिकल राइटिंग के अंदर भी ना आर्टिकल के डिफरेंट काइंड हैं। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि जी आप को एक वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल राइटिंग ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप इसके लिए लिखो, अब वो नेचर ऑफ आर्टिकल्स क्या है? ठीक है, क्या वो टेक्निकल राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है, इंफॉर्मेशनल आर्टिकल है, यानी किसी पीस की इंफॉर्मेशन आप सिर्फ दे रहे हैं कि जी ये चीजें इसमें है, ये प्रोडक्ट है, इसमें ये चीजें हैं, और या किसी चीज को लेके फैक्ट्स बेस्ड नॉलेज बेस्ड आर्टिकल होते हैं। फिर प्रमोशनल होते हैं कि जी मार्केटिंग आप कर रहे होते हैं किसी चीज की, उसमें आप एक पर्टिकुलर आइटम को लेके एक ब्रांड को लेके आप उसकी प्रोजेक्शन कर रहे होते हैं, तो इस तरह मुख्तलिफ होता है। और ब्लॉगिंग का मिजाज अपना होता है, इट्स ए काइंड ऑफ पर्सनल डायरी, तो उसमें भी जो रिक्वायरमेंट आपका जिसको आप दे रहे हो कंपनी को, वेबसाइट को, जिस भी बंदे के साथ या यानी इंडिविजुअल के साथ या प्लेटफॉर्म के साथ अटैच्ड हो, तो आपको उसके गिवन असाइनमेंट की नेचर को फॉलो करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने इसमें डिफरेंट अपील दी। इसमें आपको थोड़ी सी शायद क्लैरिटी ना हुई हो कि जी आर्टिकल्स या ब्लॉगिंग में डिफरेंट जो चीज़ें आ रही हैं वो मतलब उस तरह से कहाँ कहाँ, समटाइम हमें लगता है कि इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन फ़र्क होता है। आप अगर ऑब्जर्व करें तो हर आर्टिकल की टोन डिफरेंट होती है, नेचर डिफरेंट होती है वेब पेज के ऊपर। अब फैशन बेस्ड जो आर्टिकल है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड आर्टिकल से बिल्कुल डिफरेंट होगा। Alright, next, Farwa. Unmute कीजिए Farwa. Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, you are. Go on. Okay, first of all, मेरा ये question था कि सर आप हमसे कोई ऐसा piece of content writing share कर सकते हैं कि जिससे idea हो सके कि effective और impressive content writing इस type का idea हो जाए। First thing, the second thing is कि कोई ऐसी tips and tricks जिनके through हम अपनी skills को polish कर सकें, कोई ऐसी tips दें हमें। और इसके अलावा एक last question मेरा ये है कि कुछ ऐसे tools का भी आपने कहा कि उनको हमें सीखना है, उन तक हमने अपनी करनी है जिसके थ्रू हमारी ग्रामर करेक्ट हो, स्पेल्स हो। अच्छा, स्पेलिंग तो करेक्ट हो जाती है, ग्रामर्स को करेक्ट करने के लिए कुछ टूल्स आप अगर हमें शेयर कर दें।
ताकि एक आइडिया हो जाए उसके बाद मजीद हम फिर खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं। ओके, आपने दो तीन क्वेश्चंस किए हैं। देखें उसमें जो आपने पहली बात की है कि आपके साथ कुछ सैंपल्स या कोई इस तरह की स्केच शेयर कर दिया जाए, तो उसमें आप मिस अनम से पोस्ट मीटिंग रब्ता कर लीजिएगा या नई सुबह से ऑफिशियली आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं मिस अनम के थ्रू आपको कोई इस तरह का मटेरियल दे दूंगा जो कि सैंपल्स के तौर पर ट्रीट किए जा सकते हैं, ऑब्जर्व किए जा सकते हैं कंटेंट राइटिंग को लेके, क्वालिटी कंटेंट राइटिंग को लेके। और बाकी जो टिप्स वगैरह की आप बात करिए, देखें पिछले हफ्ते वाले लेक्चर में मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं, आज भी शुरू में बताई हैं, आप लास्ट वीक की रिकॉर्डिंग भी मिस अनम से ले सकती हैं और उसमें अगर आपको इन राइटिंग भी एडिशनल मटेरियल चाहिए होगा तो मैं आपको वो भी दे दूंगा। लास्ट आपका क्या क्वेश्चन था? ग्रामर के लिए टूल। हाँ, ग्रामर वगैरह के लिए देखें वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही, जब हम क्योंकि हम एमएस वर्ड के अंदर मोस्टली काम कर रहे होते हैं तो उसमें हम स्पेल चेक जब चलाते हैं तो उसमें स्पेलिंग्स के साथ साथ वो ग्रामर की भी सजेस्ट करने को कहता है, बट अगेन आई विल नॉट सजेस्ट दैट क्योंकि उसमें समटाइम्स वो जो बता रहा होता है वो अपने हिसाब से बता रहा होता है। इवन स्पेलिंग मिस्टेक्स भी समटाइम जहाँ पे आप नेम्स को मैंशन कर रहे हैं तो वो उसको भी स्पेलिंग मिस्टेक्स के तौर पर ले रहा होता है, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत आपका अपना भी नॉलेज होना चाहिए। यानी बिल्कुल ही अगर आपको ग्रामर नहीं आती तो फिर जो वो टूल्स कह रहे हैं वो ऑटो करेक्शन जो है वो 100% उसमें एक्यूरेसी नहीं होती। तो इसमें ग्रामरली कुछ पेड टूल्स भी हैं, उसके बारे में भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला बता दूंगा। ऑलराइट, इस पे मेरी तरफ से एक ये भी टिप है कि अगर हम जिस भी टेंस में लेकर हम चल रहे हैं, हमने अपना पैराग्राफ, अगर हम शॉर्ट पैराग्राफ भी लिख रहे हैं, अगर हमने प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हैं तो फर्स्ट सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है, सेकेंड में हम पास्ट में ले जाए तो वो गलत हो जाएगा। हमें एक टेंस पे भी स्टिक रहना होगा। जी, वो तो ऑब्वियसली इंग्लिश राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्टली। थैंक यू फरवा। नेक्स्ट है गैलेक्सी A70, शायद तकदीस है, अनम्यूट कीजिएगा तकदीस। अस्सलाम वालेकुम, ये आवाज आ रही है? जी तकदीस। Assalamualaikum, पहले तो मैं काफ़ी ज़बरदस्त किया है सभी तरह। तो मेरे क्वेश्चन ये है कि देखिए हम कैसे जो है मैं कोई भी जो कॉन्टेंट है लेके हम इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे करते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे तो आता है अर्निंग आवर्स। ठीक है, तकदीस आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा फीडबैक आ रहा है, आप देखें। क्लियर, माइक के करीब आके बोलो। अब क्लियर आ रही है? जी अब ठीक है, अब बात करें आप। सर मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे आपने कंटेंट राइटिंग का ये चीज शेयर किया है, ठीक है, अब हम यूट्यूब पे जो भी अपनी पोस्ट लगाते हैं, ठीक है, या इंस्टाग्राम पे आता है स्पॉन्सर्ड, ठीक है, और यूट्यूब पे आता है वर्किंग सॉरी वॉचिंग आवर। हेलो, जी तो इस पे तरीका था कि हमें किस तरह से, क्योंकि इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है, लिख तो हम सारा लेते हैं, वो डिलीवर कर सारी चीजें, हम अपना कंटेंट वो शेयर कर देते हैं, लेकिन ये होता है कि उसमें या तो अकाउंट के मसले आते हैं या फिर ये होता है कि वो जो है मतलब कि हमें मतलब किस तरह से पता चलेगा कि हमें जो हमने चीजें शेयर कर दी हैं, या हम अपना छोटा सा कोई भी किसी और ऐप पे भी लगाते हैं मतलब ये कंटेंट राइटिंग का ही, तो हमें ये किस तरह से पता चलेगा कि हमारे पास किस तरह से मतलब कि ये जो मनी आने का या अकाउंट्स पे, क्योंकि काफी मसले आ जाते हैं इसमें ना, या इंस्टाग्राम पे स्पॉन्सर्ड और यूट्यूब पे वर्किंग आवर, ये थोड़ा तरीका बताइएगा क्योंकि इसमें जाके हम फंस जाते हैं, ये चीज बताइएगा थोड़ी। देखें जो आप मनी की वो बात करी, वो तो जाहिर है सारी वो यूट्यूब के मोनेटाइजेशन और सारी चीजें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कितने लाइक कितने व्यूज सारे, अगर आप उन चीजों को मीट कर पाते हैं तो ही आएगा वो उसमें। जो कॉन्टेंट राइटिंग से ज्यादा जाहिर है ऑडियो वीडियो कॉन्टेंट वगैरह इस तरह से होता है, तो उस पे तो वो बिल्कुल ये एक डिफरेंट डोमेन है, उसमें आपको उन स्ट्रेटजीज को उन चीज़ों को ऑब्वियसली उन मेथड्स को डीपली रिसर्च करना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा जिससे आप अपनी जो रीच है अपने आइटम की एक्सेस है ऑडियंस की उसको आप यानी कि थोड़ा एक्सेसिव कर सकती हैं बढ़ा सकती हैं, तो आपको उस एंगल से उस पर वर्किंग करनी पड़ेगी। All right. So next है उमर फारूक,
अनम्यूट कीजिएगा। उमर फारूक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं उमर फारूक बात कर रहा हूँ और फर्स्ट टाइम मैंने आज क्लास ज्वाइन की है और मैं शुक्रगुजार हूँ नई सुबह का भी और सर आपका भी, जिस तरह आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि राइटिंग को बेटर उस वक्त ही बनाया जा सकता है जस्ट जब हमारी लैंग्वेज पे यानी बड़ी अच्छे तरीके से अबूर होता है हमें, तो उसको किस तरह से मतलब बहुत अच्छा किया जा सकता है, इस हवाले से भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। देखें, कंटेंट राइटिंग और इंग्लिश राइटिंग ऑब्वियसली डिफरेंट चीजें हैं लेकिन कनेक्टेड है। एक स्किल ही दूसरे स्किल के साथ आपको कनेक्ट करेगा, तो इसलिए आप पहले अपने आप को राइटिंग में इम्प्रूव करें और उसमें इम्प्रूव करने के लिए आप छोटी छोटी चीजें लिखें। लोग जब तक फ्रीक्वेंटली लिखेंगे नहीं, काफी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स जो काम करना चाहते हैं बट दे लैक देयर इन इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, तो उसको आप इम्प्रूव करने के लिए ऑब्वियसली आप छोटे छोटे टॉपिक्स पे लिखें, आप किसी को चेक कराएं जो आपको इसमें गाइडेंस दे सकता है, वो आपको रेक्टिफिकेशन के साथ वापस करे, आपके जो शॉर्टकमिंग्स है उसको हाईलाइट करे और उसको इम्प्रूव करने की टिप्स बताएं। तो विद योर कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस यू कैन एक्चुअली कीप ऑन इम्प्रूविंग विद योर राइटिंग स्किल्स। आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग ठीक होनी चाहिए, आपको एक्सप्रेशन यूज करने आना चाहिए। तो इन सारी चीजों के साथ आप जब अपने आप को समझोगे कि आप आपकी राइटिंग में फ्लो आ गया और काफी इंप्रूवमेंट आ गई है, तो फिर ऑब्वियसली आप उसी स्किल को फिर आगे कनेक्ट कर सकते हो। फिर जाहिर है कॉन्टेंट राइटिंग के अकॉर्डिंगली आप अपनी राइटिंग को मोल्ड करके वेरियस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं कॉन्टेंट राइटिंग रिलेटेड, पर उससे पहले ये जरूरी है कि आप अपनी राइटिंग को बेहतर करें इस तरह की टिप्स के साथ और इस तरह के मेथड्स के साथ। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास यूसुफ, अनम्यूट कीजिएगा। Assalamu alaikum sir, first of all I appreciate Nai Subha and also you such conducting a great seminar on this. Sir, mera question hai, jab hum content writing skill seekhne jate hain online through foreigner portals or through Pakistani, to wahan pe visual matches hote hain, images ke through sikhaya ja raha hota hai, to koi aisa platform jiske through blind content writing seekh sake wo bataiyega, aur jaise aapne mention kiya tools zaruri hote hain content writing mein, पर जब हम जाते हैं तो ऐसे टूल्स जो हमें उन पोर्टल्स पे बताए जाते हैं या उन वीडियोस में बताए जाते हैं वो हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं होते, तो उसके बरक्स हम जो एक्सेसिबल टूल्स हैं उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं? ओके, ये आप सही बात कर रहे हैं कि समटाइम्स जो कंटेंट राइटिंग की टिप्स या उसके स्किल के मुतालिक एक ऑनलाइन हमें रिसोर्सेज मिलते हैं वो इमेजेस में या वीडियो में होते हैं, उसमें हम आपकी रसाई नहीं होती, तो उसमें आप अल्टरनेटिव तरीके से कंटेंट राइटिंग, हाउ टू इंप्रूव कंटेंट राइटिंग स्किल्स, उसको आप सर्च कर सकते हैं। उसमें यूट्यूब पे बड़े लेक्चर्स पड़े हैं, उनको आप गो थ्रू करें, आप गूगल करें, आपके पास कंटेंट राइटिंग रिलेटेड आर्टिकल्स आ जाएंगे और फिर आपको बुक्स मिल जाएंगी। अगर आपकी बुक शेयर के ऊपर मेंबरशिप है तो आप वहां से बेसिक एथिक्स ऑफ कंटेंट राइटिंग ये बुक डाउनलोड करें। इसके अलावा आपको बहुत सी किताबें मिल जाएंगी, तो आप पीडीएफ के अंदर, वर्ड के अंदर, यूट्यूब ऑडियो वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आप काफी ज्यादा अपने इस चीज को लेके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। आपका बहुत ज्यादा चीजें जो है किस तरह से इम्प्रूव हो सकती हैं, एलिवेट कर सकते हैं अपने इन रेलिवेंट स्किल्स को, तो आपको इन मीडियम से मदद मिल जाएगी। सेकेंड जो आपने चीज पूछी, बिल्कुल बहुत से ऐसे टूल्स जो बताए जाते हैं उन टूल्स की भी इनएक्सेसिबिलिटी होती है, मतलब प्लेजरिज्म चेकिंग की कि वो उससे मिलता जुलता मवाद पहले तो नहीं पड़ा हुआ, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह के जो टूल्स हैं इनएक्सेसिबल होते हैं। लेकिन उसमें आप गूगल करें कंटेंट राइटिंग टूल्स फॉर द विजुअली इंपेयर्ड या एक्सेसिबल टूल्स
फॉर कंटेंट राइटिंग, तो आपको उसके अल्टरनेटिव कुछ ना कुछ मिल जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसे जरूर होते हैं कि जिसके अल्टरनेटिव आपको बड़ी मुश्किल होती है और एक्सेसिबल ढूंढने में, लेकिन ऐसी टेक्निक्स के साथ ही आप उनके एक्सेसिबल जो टूल्स हैं जो वो बता रहे हैं, जो वो सजेस्ट कर रहे हैं, उसके बरक्स भी मिल जाते हैं। क्योंकि ऑनलाइन एक चीज, एक पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करने के लिए ऑब्वियसली डजन ऑफ टूल्स हैं, तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो विजुअली इंपेयर्ड कंटेंट राइटर यूज कर रहे हैं, तो उसमें आप इस तरह सर्च करके भी थोड़ा सा ट्राई करके फिर एक्सपेरिमेंट करके आप अपना जो डिजायर्ड एक्सेसिबिलिटी वाइज जो टूल है उसको हासिल कर सकते हैं। और सर नेक्स्ट थिंग मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने कहा सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू हम उनको मैनेज करें, ऑडियंस को इंगेज करें और लिख के दें, तो वो एक अनट्रस्टेबल थिंग नहीं हो जाएगी? क्योंकि अगर हम किसी वेबसाइट के थ्रू करते हैं तो वेबसाइट हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी पेमेंट का, लेकिन अगर हम खुद उस चीज को लेके चलते हैं तो वो एक थोड़ा अनट्रस्टेबल इशू हो जाता है, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा स्कैम्स देखे हैं इस चीज में। नहीं नहीं वो आपकी बात सही है, जो रिलायबिलिटी है वो जो प्लेटफॉर्म है जिनकी रिप्यूट मार्केट में अच्छी होती है पेमेंट्स को लेके और इस तरह की जो दूसरी वो आपके साथ एग्रीमेंट करते हैं तो उनकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा होती है। लेकिन आप इस रूल पे चलें कि आप किसी को इस तरह से वो ना करें कि आप किसी का काम ले रहे हैं और बाद में पोस्ट पेमेंट्स पे आप रहते हैं तो उसमें फिर वाकई इस तरह की चीजें होती हैं। शुरू शुरू में मेरे अपने साथ भी इस तरह हुआ है कि मैं आर्टिकल्स लिखता था और मेरे से एक वीक में चार चार आर्टिकल्स लिखवा के ही तो बंदे फिर भाग जाते थे। सो देन एक्चुअली क्या होता है कि फिर आप उनके साथ इस तरह का मैकेनिज्म सेट करते हैं कि जी मैं इसका जो भी आप उनके साथ आपकी बार्गेन होती है आप उसको एडवांस में आप अपने जो भी उसका इंसेंटिव है वो आप क्लेम करें। ओके बस हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे, अली फहद का, अनम्यूट कर लीजिए। ग्रीटिंग सर, एम आई ऑडिबल? यस। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अ क्वेश्चन, रोल ऑफ कंटेंट राइटिंग इन फ्रीलांसिंग। Secondly, how can a quality content writer be judged? और third ये है कि सर जिस तरह आपने बताया उस तरह तो फिर सारे ही चीज़ें visually impaired के लिए accessible लगती हैं, मतलब सब अच्छा है, ये थोड़ी ज्यादती नहीं? नहीं, मैंने सिर्फ वो areas बताए हैं जो accessible हैं। मैंने आपको 8-10 areas बताए हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर search करें Google के ऊपर कंटेंट राइटिंग सर्विसेज या ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर जाएं या आप अपवर्क पे जाके देखें तो आपको 200 प्लस एरियाज मिलेंगे कंटेंट राइटिंग वाले। इसमें से कौन सा एरिया आप ऐसा आइडेंटिफाई करते हैं कि जो आप समझते हैं कि जहां पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है? ऑफ कोर्स स्किल होना शर्त है, कंडीशनल है ये चीज। इफ यू हैव गॉट द स्किल्स, ऑब्वियसली जो मैंने एरियाज बताए हैं उनमें से कुछ चीजों में तो मैं अपनी भी सर्विसेज देता हूँ, तो आई एम श्योर के उनमें हमें कोई हिंड्रेंस नहीं है। बाकी मैं ये नहीं कहता कि इन सारी चीजों में आपको फॉरन अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, वो आपको जनरेट करनी पड़ेगी क्योंकि इस मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कंपेटिटर्स बहुत ज्यादा है, तो आपको काम लेना पड़ेगा। लेकिन इन ये वो चीजें हैं जो मैनेजेबल है, जिसमें हमारी ब्लाइंडनेस जो है वो ऑब्स्टिकल नहीं है उसको अकम्प्लिश करने के लिए, प्रोवाइडेड इफ यू हैव अगेन द रिक्वायर्ड स्किल्स, दैट इज यू नो द यूज ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी एज वेल एज क्वालिटी कंटेंट राइटिंग हमें आती है। तो बाकी और शुरू में आपने क्या क्वेश्चन किया है, फर्स्ट वन? हाँ, रोल ऑफ आपने जो पूछा है कंटेंट राइटिंग इन फ्रीलांसिंग, तो उसमें मैंने पिछले वीक काफी ज्यादा बात की थी, उसकी आप रिकॉर्डिंग मिस अनम से ले सकते हैं। बाकी फ्रीलांसिंग का जो भी काम है, यू नो इफ वी से इट शॉर्टली, तो वो कंटेंट राइटिंग से ही जुड़ा हुआ। जो फ्रीलांसिंग के अंदर विजुअली इंपेयर्ड बंदा काम कर सकता है वो तो राइटिंग से मुतल्लिक है, क्योंकि ना तो हम ग्राफिंग कर सकते हैं ना हम वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, टू एन एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब वो एक पर्टिकुलर वे में रहते हुए। लेकिन जिस तरह की विजुअल बेस्ड असाइनमेंट्स होती हैं, ग्राफिकल होती हैं, फिर हाईली टेक्निकल होती हैं, तो बहुत सी ऐसी देयर आर हंड्रेड ऑफ कंटेंट बेस्ड असाइनमेंट्स व्हिच कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड और अचीव्ड बाय विजुअली इंपेयर्ड। लेकिन फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कंटेंट राइटिंग का ही सारा रोल है और उसकी वजह से ही हम अपने आप को इस तरह सेल्फ एम्प्लॉयड कर सकते हैं कहीं ना कहीं ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करते हुए। ऑलराइट, और भी हैंड रेज हुए हैं, क्या हम ये क्वेश्चंस लें या क्या? वन लास्ट क्वेश्चन, फिर असर की नमाज का भी वक्त। ओके,
तो रमेश काश आपका एक क्वेश्चन हो चुका है, इसलिए फिर मैं रमेश को कंसीडर कर रही हूँ. ठीक है, तो रमेश आप बोल सकते हैं. अनम्यूट कर लीजिए माइक. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है और सर आपका लेक्चर सुन के मैंने ये सोच रहा हूँ कि मैंने कितना कुछ पीछे मिस कर दिया है जितना आपके आज एक दिन के लेक्चर से मुझे सीखने को मिला है कंटेंट राइटिंग के बारे में. जी थैंक यू. दूसरी चीज मैं ये कहना पूछना चाहूँगा कि कंटेंट राइटिंग की जो अपॉर्चुनिटीज हैं इसको हम किस तरह से अवेल कर सकते हैं, यानी कि अगर हमने ये काम शुरू करना हो अभी बिल्कुल एक न्यू बिगनर के लिए, तो हम क्या अपनी जो है हमें पब्लिसिटी करनी पड़ेगी कुछ कंटेंट को लिख के, उसको जो है यानी कि फेसबुक पे कोई पेजेस बना के या इंस्टाग्राम पे कोई पेजेस बना के वहाँ पे जो है अपलोड करके लोगों को दिखाना पड़ेगा कि ये हमारा जो है कंटेंट है, इस तरह से हम राइट करते हैं, या इसके लिए कोई बकायदा वैकेंसीज वगैरह आती हैं जिसके थ्रू हम रिक्रूटमेंट होती है, ये बताइएगा. थैंक यू. जी रमेश थैंक यू वेरी मच. अच्छा उसमें ऐसा है कि इसमें मैंने कुछ चीज पिछले लेक्चर में भी बताई थी, आज भी इसमें कुछ चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए जो आपने ये कहा कि क्या हमारे पास यही ऑप्शन रह जाती है, देखें जो ऑथेंटिक बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं कि जहाँ पे हंड्रेड ऑफ डेली बेसिस पे कॉन्टेंट राइटिंग जॉब्स जो हैं या असाइनमेंट जो है वो पब्लिश होती हैं, वहां पे बिगिनर्स के लिए मैं डिस्करेज नहीं करता, आप जरूर जाएं, आप अपनी प्रोफाइल सेटअप करें अपवर्क पे, दूसरे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे, फाइवर पे, freelancers.com वगैरह पे, लेकिन वहां पे हम डिस्करेज हो जाते हैं क्योंकि जब हम जाते हैं हमें काम कोई नहीं मिलता तो हम कहते हैं यार नहीं यार कोई कंटेंट राइटिंग का फायदा नहीं है, काम तो कोई मिलता नहीं है. ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक सॉलिड CV नहीं होती हमारी, हमारा कोई प्रीवियस काम नहीं होता. जाहिर है बिगिनर्स को शुरू में मसला होता है, once you are you know settled in the field और आपका काम चला जाता है, पब्लिश हो जाता है, आपकी previously done assignment show हो रही होती है, तो फिर clients आपकी तरफ भी आती हैं. दो factors होते हैं, एक तो beginner कोई भी हो excited भी हो तो उसके भी issues challenges होते हैं शुरू में ऐसे platforms के ऊपर. फिर secondly ये कि due to the problem of accessibility हम अपने जो profile है उसको एक right way में setup नहीं कर पाते. ठीक है, सही से गिग्स नहीं बना पाते हैं और कुछ टेक्निकलिटीज होते हैं, समटाइम हम खुद टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव में टेक्निकल एरियाज में लैक कर रहे होते हैं और समटाइम्स उस प्लेटफॉर्म के ऊपर लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी होती है हमारे लिए. तो इसलिए ये जो मैंने कॉमन पेजेस की बात की तो वहां पे फेसबुक वगैरह या दीगर जो पेजेस हैं आप बिल्कुल वहां पे ही ऑडियंस को कर सकते हैं, और वहां पे क्योंकि बहुत से आपके जानने वाले भी होते हैं तो आपके रेफरेंस के आगे रेफरेंस से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, समटाइम ऐसा बड़ी बार होता है. फिर आप अपनी सेल्फ मार्केटिंग करें, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपना मैसेज कर सकते हैं, डीगर ईमेल लिस्ट पे कर सकते हैं, बाकी फेसबुक वगैरह पे इधर उधर तो आप पेजेस पे कर ही सकते हैं, लोग कर रहे होते हैं ना आजकल, तो ब्रांड से लेके इंडिविजुअल सर्विसेज तक सब कुछ फेसबुक पे चल रहा होता है, तो कोई ना कोई 10 में से एक दो लोग आपको पूछेंगे, और इसी तरह वन आफ्टर द अदर जब आपका थोड़ा सा इनिशिएटिव हो जाता है तो फिर कमिंग डेज में इन फ्यूचर जो है आपको ज्यादा काम मिलना शुरू हो जाता है. तो इसलिए ये जो चीजें हैं बजाय थोड़ी उन प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स के जरिए तो हम उसकी निस्बत हम इन्हें फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, बट आई हैव सीन मेनी विजुअली इम्पेयर्ड पीपल जिन्होंने ऐसे फेसबुक के थ्रू या व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू काफी ज्यादा जो है ना खुद को अपनी सर्विसेज को लेकर इंगेज रखा हुआ है. सो आप भी इन टूल्स को यूज करते हुए आप कर सकते हैं, आप फिर चलते फिरते जहां आप जाते हैं आप लोगों को अपने सोशल गैदरिंग में इधर उधर वो भी बता सकते हैं. तो आपको मैन्युअली और इस तरह के थोड़े से जो मैं समझता हूँ अनकन्वेंशनल वेज हैं वैसे अगर प्रोफेशनली स्पीकिंग तो उसके थ्रू भी आपको अपने आप को अपने जस्ट टू स्प्रेड योर वर्ड अबाउट योर स्किल्स आपको करना पड़ता है. इस तरह से थोड़ा पेशेंट रहना पड़ता है शुरू में, लेकिन एज आई सेड के आपका थोड़ा सा काम लाइमलाइट में आ जाता है तो फिर कुछ ना कुछ आपको छोटा मोटा काम मिलना शुरू हो जाता है. ऑलराइट, वो काश कुछ कहना चाहते हैं, क्वेश्चन ये कुछ कहना चाहते हैं तो अनम्यूट कर लीजिए. जी आवाज आ रही है. जी थैंक्स अ लॉट अनम फॉर गिविंग द चांस. और अच्छा बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं फ्रीलांसिंग और इसके वाले से,
एक तो पॉइंट में छोटे छोटे हाईलाइट करूंगा कि सबसे पहले तो ये है कि क्वेश्चन आया था पोर्टफोलियो हमारा शुरू में होता नहीं है तो हम क्या उसमें डालें. उसमें अगर आपने प्रीवियस किसी क्लाइंट के लिए काम नहीं भी किया ना तो आप अपनी जैसे अगर आपका तो वो उस पे नीच पे डिपेंड करता है. फिलहाल बिलफर्ज अगर आप स्टोरी राइटर हैं तो आप खुद से 3-4 स्टोरीज लिख के ना तो एज अ पीडीएफ सेव करके उनको अपलोड करके तो आप वो डाल सकते हैं कि दिस आई हैव डन दिस वर्क, ये मेरा पोर्टफोलियो है. तो आप चाहे आपने किसी के लिए नहीं भी किया हुआ है ना तो आप खुद से चाहे आर्टिकल है वो डाल लें, आप अपना कोई उस पर फ्री सर्विस पे ब्लॉग बना लें उसके ऊपर आप अपने आर्टिकल 4-5 लगाएं और आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर करें कि दिस इज माई पोर्टफोलियो. अच्छा दूसरा एक आया था कि ये जो हम लोग जब वो करते हैं फेसबुक ग्रुप वगैरह या यहाँ वहाँ से क्लाइंट पकड़ते हैं 1-to-1 तो उसमें पैसों का और वो इशू होता है कि वो काम लेके भाग जाते हैं, पैसा नहीं देते. उसका एक जो टेक्निक मैं खुद भी यूज़ करता रहा हूँ और उसका होता ये है कि आप लोग उसको कंटेंट उसका राइट करें और उसको उसके पीछे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक वाटरमार्क की ऑप्शन होती है वो लगा के और उस फाइल को आप वर्ड फाइल उनको नहीं आपने देनी है ना ही आपने उनको प्लेन टेक्स्ट देना है, आप उनको एक इमेज पीडीएफ, क्योंकि जो हमारा कंटेंट राइटिंग का जो रिसीवर होता है ना वो ब्लाइंड तो होता नहीं है वो साइटेड होता है, तो आप उसको इमेज पीडीएफ या सीधा सीधा इमेज स्क्रीनशॉट करके दे दें तो वो जो है ना उसके कुछ नहीं कर पाता, वो कहता है भाई मुझे एक्चुअल कंटेंट या फाइल तो आप बोलेंगे चलो भाई पैसे कटोगे तो फाइल दोगे. तो ये चीज़ें आप छोटी छोटी टेक्निक से अप्लाई करेंगे तो यू कैन मेक योरसेल्फ सिक्योर और आप अपना काम चला सकते हैं. थैंक यू सो मच वकास, आपके बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल और काफी इफेक्टिव वेरी प्रेशियस फीडबैक माशाल्लाह. और वकास जो है माशाल्लाह ही इज रियली एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, ब्लाइंड हेल्प प्रोजेक्ट को भी सिंगल हैंडेडली लेके चलते हैं. सो इस तरह के जो विजुअली इंपेयर्ड लोग हैं पाकिस्तान में वी आर रियली प्राउड ऑफ देम फॉर देयर रिमार्केबल सर्विसेज एंड देयर स्किल्स. तो बहुत अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया कुछ चीजों को, थैंक यू वकास. मेरे ख्याल में सनम आप वाइंड अप करें. जी ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स. ऑलराइट सो थैंक यू सो मच एवरीवन और आप सबका यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन मिली होगी और इसको यूज करते हुए आप अपने करियर में एक्सेल करेंगे, कंटेंट राइटिंग को अपना करियर बनाएंगे और मतलब ऑनलाइन इसको काम करके इससे फायदा उठाएंगे और इस वर्कशॉप से भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिला होगा. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सलमान फॉर हैविंग सच ए ग्रेट वर्कशॉप फॉर अस. So thank you. Allah Hafiz, everyone.